नमस्ते फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर राजेंद्र साहू। मैं कंसल्टेंट पेन स्पेशलिस्ट एट न्यूरन पेन क्लिनिक एंड किम्स हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल न्यूरन पेन क्लिनिक में स्वागत है। सो कंस्टेंटली हम लोग काफ़ी सारे डिफरेंट पेन कंडीशन लेके आते रहते हैं आपको एजुकेशन देने के लिए, आपको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि आपको बीमार के बारे में पता चले, सही टाइम पे सही डॉक्टर पे जाए और ठीक से इलाज कराए। तो इसी चक्कर में आज जानते हैं हेडेक के ऊपर, आज एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेडेक के ऊपर आज जानते हैं। पहले तो मैं माइग्रेन की ट्रीटमेंट, डेंजर फॉर्म्स ऑफ हेडेक दैट यू शुड नॉट इग्नोर, ये सब के वीडियो कर चुका हूँ। अब एक और नया हेडेक फॉर्म है जो डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। मेनी डॉक्टर्स दे मिसडायग्नोज और इग्नोर दिस कंडीशन एंड पेशेंट्स सफर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज कॉल्ड सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक, सर्वाइकल मीन्स ए नेक का एरिया होता है। सो पेन स्टार्ट फ्रॉम हियर नेक एंड गोज ओवर दिस एरिया एंड दे आर एसोसिएटेड विथ नेक मूवमेंट, रिड्यूस्ड मूवमेंट एंड इंक्रीजेस ओवर दिस एरिया मसल्स पेन। सो दैट इज द सर्वाइकोजेनिक हेडेक। काफ़ी सारे हेडेक ये सामने के हिस्से होता है, ये साइड या ऊपर होता है, उनके या तो बैंड तरफ से हो सकता है। लेकिन जो हेडेक नेक से चालू होता है और नेक मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, इधर इंक्रीज या कम होता है, और टिपिकली ये पीछे का हिस्सा ऑक्सीपिटल एरिया, इवन ये साइड टेम्परल वर्टेक्स तक आता है, एंड देयर ऑरिजिन फ्रॉम द नेक मसल और नेक बोन, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकोजेनिक हेडेक। तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक किसको हो सकता है, क्या कारण है? तो ये जो नेक का एक मैं दिखाता हूँ मॉडल है, आप देखेंगे तो नेक में यहाँ लगेगा तो आपका स्काल्प रहेगा, यू नो ह्यूमन स्कॉल रहेगा। तो यहाँ पे ये जो सर्वाइकल बोन्स होते हैं, ये बोन होता है पीछे के हिस्से में, स्मॉल स्मॉल जॉइंट है ये दोनों के बीच में, हड्डी के बीच में, उसको फैसेट जॉइंट बोलते हैं। इसको ऊपर हम लोग लगा देंगे तो लिगामेंट और मसल रहता है इनके, और ये रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के छोटे छोटे नर्व्स रहते हैं। ये नर्व के और स्मॉलर ब्रांचेस निकल के आपको पीछे का स्काल्प का पीछे के हिस्से में जाते हैं, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल नर्व। तो कोई भी कारण से ये आइदर ये स्पाइन का जॉइंट, ये फैसेट जॉइंट बोलते हैं, ये सब बोन्स होता है, दिज आर द स्मॉल स्मॉल जॉइंट्स ऑन बोथ साइड, दिज आर द नर्व, दे गो ऑन द स्मॉल ब्रांचेस सप्लाई द बैक ऑफ योर नेक, और ये स्मॉल मसल से भी पेन चालू होता है, उसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे कंप्लेन ऑफ पेन ओवर दिस एरिया, एकिंग, थ्रबिंग, यू नो स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन, समटाइम्स इट कैन बी टिंगलिंग, बर्निंग, यू नो नमनेस जैसा हो सकता है, यहाँ पे जाता है पेन। एंड टिपिकली रेंज ऑफ मूवमेंट, या आपको जो नेक का रेंज ऑफ मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है रेंज ऑफ मूवमेंट, और जब ज़्यादा इधर उधर घुमाते हैं पेन भी बढ़ जाता है। ये समटाइम्स माइग्रेन या टेंशन हेडेक को भी मिमिक करता है, उसके जैसे लगेगा, लेकिन ये असल में है ही नहीं। और ये सब पेशेंट काफ़ी टाइम माइग्रेन की मेडिसिन से लेके, यू नो ट्रिप्टान से लेके प्रोफाइलैक्टिक, लॉट ऑफ माइग्रेन मेडिसिन से उनको ज़्यादा राहत नहीं मिलता है, बिकॉज उनको ये डायग्नोसिस ठीक से पहले हुआ नहीं। द डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड सर्वाइकोजेनिक हेडेक, नॉट द माइग्रेन और द टेंशन हेडेक। तो किसको हो सकता है? यूजुअली 30s टू 50s के एज ग्रुप में कॉमनली होता है, मेन फीमेल में इक्वली मिलता है ये। स्पेसिफिकली जो लोग एक्सीडेंट, ट्रॉमा या व्हिप्लाश इंजरी, उसके बाद ये जैसे एक्सलरेशन डिसलरेशन इंजरी होता है, ये सब मसल जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। टिपिकली दिस इज स्मॉल जॉइंट, फैसेट जॉइंट जो साइड का होता है, ये जॉइंट के ऊपर लोड पड़ता है, यहीं से आता है पेन। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनको रिपीटेटिव इंजरी हुआ, ट्रमा हुआ स्पाइन में, कहीं कुछ गिरा, बार बार गिरा, वहीं से एक मस पेन चालू होता है। जिनका सर्वाइकल मसल स्पाजम होता है बार बार, नेक का जो मसल होता है ये सेमी स्पाइनलिस
स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड, पारा स्पाइनल मसल्स स्पाजम होता है, शोल्डर ब्लेड मसल्स होता है, तो उनको भी ये ज़्यादा चांस रहता है मसल से पेन होने का। जिनका ये सब नर्व जैसे निकल के आता है, यू नो दे गेट कंप्रेस्ड, दे गेट एंट्रैप्ड बिटवीन मसल प्लेन्स और द फेशियल प्लेन्स, उनको भी ये सब पेन होने की ज़्यादा संभावना रहता है। और एक रहता है ओबेसिटी पोस्चर रिलेटेड, काफ़ी अवर्ड पोस्चर में बहुत देर तक बैठे रहने से भी ये सब मसल अबनॉर्मली पुल होकर भी हो सकता है ये पेन। डिफरेंस क्या रहता है माइग्रेन हेडेक से? माइग्रेन हेडेक में टिपिकली इधर फ्रंट या इसमें होता है, एंड इवन समटाइम्स नेक पेन होता है भी माइग्रेन हेडेक, बट दे हैव अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, वो सब रहता है, डिफरेंट प्रेजेंटेशन उनका रहता है। पेन उनका पेन कैरेक्टरिस्टिक में प्रेजेंटेशन अलग रहता है, सीवियरिटी में अलग रहता है। उसको डायग्नोसिस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज वेरी एसेंशियल, एंड देन सम ऑफ द ब्लड टेस्ट, ओके, एक्सरे ऑफ दिस एरिया, एंड देन समथिंग एज आई टोल्ड, ये स्पाइन का मसल, बोन या लिगामेंट से, नर्व से आता है पेन। लॉट ऑफ टाइम्स अगर कोई सिंपल मेजर से, मेडिसिन से काम नहीं हुआ तो नर्व ब्लॉक होता है, ये जो जॉइंट होता है उसको फैसेट जॉइंट होता है, वो जॉइंट का इंजेक्शन स्मो, सो दीज आर द इंजेक्शंस दैट वी डू इनटू द जॉइंट्स, एंड दीज आर द ब्रांचेस, द नर्व दैट कम आउट, स्मॉल नर्व, दे गो इनटू द स्कैल्प, सो देयर वी डू द इंजेक्शन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इन दिस स्मॉल नर्व्स। ऑक्सीपिटल न्यूरलजिया बोलते हैं अराउंड दैट नर्व अल्ट्रासाउंड गाइडेड टारगेटेड स्पेसिफिक इंजेक्शन, अगर वो सब इंजेक्शन देने के बाद पेन चला जाता है, अगेन दैट कन्फर्म्स, दैट इज अगेन ए डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक और डायग्नोस्टिक इंजेक्शन, सो उसमें से भी कन्फर्म होता है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट, एज आई टोल्ड यू सर्वाइकोजेनिक हेडेक इज बेसिकली फ्रॉम द सर्वाइकल नेक की स्ट्रक्चर से होता है, तो लॉट ऑफ दिस पेशेंट्स मेडिकेशन जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी, मसल स्पाजम होता है तो मसल रिलैक्सेंट, यू नो हार्ट फोमेंटेशन, पोस्चर केयर एंड नेक मसल एक्सरसाइजेस, दैट इनिशियली हेल्प्स इन गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड मेडिकेशन, इफ दैट इज नॉट हेल्पिंग देन इंजेक्शन इन टू डिफरेंट स्पाइन स्ट्रक्चर्स, नेक का जो जॉइंट होता है फैसेट जॉइंट, नर्व ब्लॉक, नर्व एब्लेशन उसको बोलते हैं, सो ये सब में या तो फिर ओ एरिया में बोटोक्स इंजेक्शन भी देते हैं, प्रोलोथेरापी इज अनदर थिंग ऑल्सो, लाइक डेक्स्ट्रोज का प्रोलोथेरापी देते हैं इन टू द मसल्स, इन टू द अफेक्टेड नर्व्स एंड द लिगामेंट्स, सो दैट इज द ट्रीटमेंट इन ए नॉट सेल। So keep this in mind that cervicogenic headache is a different entity and completely different from your migraine and tension headache, though some of the features can even overlap. I hope ये नया information आपको फायदेमंद रहे, you know you can correlate that. Thank you for watching, taking some time out of your busy schedule, and I hope you like and share among your friends.